हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितिन कुमार ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं दिन के एक, ये देखो यहाँ पर अभी बज रहे हैं दिन के एक। और गाइस, आज मैं आ गया हूँ दुकान से, अब नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी हो गई है थोड़ी सी तबीयत खराब, मेरे हो रहा है यहाँ पर सीने में दर्द। तो अभी दवाई लेके आया था, मैंने दवाई खाई थी। और यहाँ पर मम्मी बना रही है खाना, तो खाने में आज मम्मी ने बनाया है यहाँ पर आलू के पराठे, जो कि बिल्कुल जला दिया। ये देखो मम्मी, और यहाँ पर बने आलू के पराठे, और यहाँ पर बनी है चाय, यहाँ पर है रसीली सब्जी, यहाँ पर है दूध। तो गाइस, आलू के पराठे ठंड में खाऊंगा तो मजा आ जाएगा, मस्त मस्त आलू के पराठे हैं। और गाइस, आज काफी ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ही ज्यादा, और मेरी ऊपर से तबीयत खराब हो गई, और ऊपर से हवा भी बहुत ठंडी चल रही है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अरे गाइस, यहाँ पर आज भी घाम नहीं निकली है बिल्कुल। तो अभी चल रही है यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा, हम तो भाई नीचे चलते हैं। और छत बिल्कुल गंदी है, छत भी सफा करना है आज। आज तो मेरी तबीयत सही नहीं है। यहाँ पर मेरा रूम भी बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर लगा हुआ है बोर्ड, क्योंकि भैया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं ना स्कूल वाले। तो भाई चलो नीचे, यार मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ज़्यादा तेज बोला नहीं जा रहा है। तो खाना खाते हैं, आलू के पराठे बने हुए हैं, तो चलो चाय के साथ आलू के पराठे खाएंगे, मजा आ जाएगा। तो चलो आलू के पराठे खाते हैं पहले। गाइस, अभी हमारे बन चुके हैं गर्मा गर्म पराठे, वो रखे हुए हैं, और चाय भी बन चुकी है, देसी घी के पराठे। तो चलो खाते हैं। ला प्लेट में दे दो, चाय दे दो और पराठे दे दो। अरे वो गिलास में चाय दे दो और प्लेट में पराठे दे दो। आ गए हमारी चाय और पराठे, तो चलो खाते हैं इनको। तो गाइस, अभी खाना भी मैंने खा लिया है, और खाना खा के आ गया मुझे बहुत ही ज्यादा मजा। तो अब इसे रखते हैं और फिर जाते हैं दुकान पर, ना एक काम है उसे निपटा के आते हैं। तो चलो चलते हैं, लाओ रुपये लाओ जल्दी। चलो गाइस, अभी जा रहा हूँ मैं दुकान पर। गाइस, तो मैं अभी जा रहा हूँ दुकान पर, पापा ने मंगाए थे 2000 रुपये, एक जने को देने हैं ना, तो चलो दे के आते हैं पापा की दुकान पर रुपये। एक गाइस, तो मैं अभी दुकान से सीधे घर पे आ गया था पापा को रुपए देके, और मैंने ये गुलाबी वाली जर्सी पहन ली, क्योंकि वो ना नीचे रख दी। मैं आया था रील्स बनाने के लिए, लेकिन मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की थी रील्स बनाने के लिए, तो वो अपना देखो मोबाइल ही दे गया और चला गया, कह रहा तू अपने आप खुद बना ले। तो मैं अकेले कैसे बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं देख रहा हूँ किसी को, कोई आ जाए रील्स बनाने के लिए मिल जाए। अच्छा, कोई दिख ही नहीं रहा आज मोहल्ले में, पता नहीं कहाँ चले गए सब, यार सब खेलने गए हैं गिल्ली डंडा अपने मौज में। तो मैं अकेले क्या करूँ, कैसे बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा, तो देखता हूँ किसी को अगर कोई मिलता है तो फिर बनाता हूँ, वरना फिर अपनी वही वाली जर्सी पहन के सीधे चला जाऊँगा दुकान पर। गाइस, तो अभी कोई वीडियो बनाने वाला मिला ही नहीं, कोई भी नहीं, तो मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, एक वीडियो बनाई बस, और बाकी 2-3 फोटो खींच लिए मैंने, कोई मिला ही नहीं, वो चला गया अपने गिल्ली डंडा खेलन मम्मी, तो कोई मिला ही नहीं। तो चलो टाइम हो गया है 2:30 बजने वाले हैं, अब चलते हैं दुकान पर और इसे उतार के रखते हैं, अपनी वाली कहते हैं पीली वाली कहाँ रखी है। ये यार, टाइम मिलता है तब कोई वीडियो बनाने के लिए, नहीं मिलता है कल बनाऊंगा। चलो अब चलते हैं दुकान पर इसे पहनने के बाद। तो गाइस, अभी अपनी वाली जर्सी पहन ली है, अब चलते हैं दुकान पर। चलो वीडियो तो एक भी बनी नहीं, मूड खराब और ठंड बहुत है, अरे राम। चलो गाइस, तो अभी आ चुके हैं दुकान पर, और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, बता नहीं सकता बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर बजल रही है आग, अमन भाई ताप रहे हैं, अमन भाई, अमन भाई ठंड है कितनी कितनी है, ज़्यादा कितनी ज़्यादा है, हैं अमन भाई बताओ। यहाँ पर जल रही है आँच, और हाँ हवा हवा बहुत तेज तेज आ रही है पलंग से, और अमन भाई ताप रहे हैं हंसते हंसते, यार देख ले। तो अमन भाई ठंड है कितनी है बताओ, खूब ज्यादा बोलो तो, ज्यादा है।
तो यहाँ पर हम कर दिए सिकाई। और गाइस टाइम हो गया है, कितने बज रहे हैं, चार बजे मैं दुकान पे आया हूँ और आते ही बहुत ज़्यादा ठंड है, आज बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा गलने वाली है ना, तो आज पजा रही है सुबह से ही और ताप रहे हैं। चलो गाइस अभी बुझ चुकी है आग, यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, तो अमन भाई और हम जाएंगे पलंग से लकड़ियाँ लेने के लिए। आओ आओ देख के लाए, आओ आ जाओ अमन भाई, तो आओ देखते हैं बजाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। अमन आ, और गाइस हमने जो पहले यहाँ पर हरा धनिया बोया था ना, तो देखो हरा धनिया कितना हो गया, अमन भाई कितना हो गया, बहुत ज्यादा है, देखो बोले आओ बोट आओ, एक जगह ये रखी हुई है डंडी, इसे बजा लेंगे एक ही ऐसी एक एक आध दो और ढूंढो। तो गाइस अभी हमने इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी कर पाई बस ने तो चलो इन्हीं को बजा लेंगे, आ जाओ चलते हैं। और गाइस मैं तोड़ूंगा हरा धनिया पन्नी में, तो चलो हरा धनिया लेते हैं पन्नी में, मैं तोड़ता हूँ अपना हरा धनिया जो मैंने उगाया था ना, तो इसमें ना पन्नी में रख लूंगा सब हरा धनिया आज। चलो यहाँ पर हमने जो उगाया था मेथी और हरा धनिया, ये देखो काफी बड़ा हो गया, तो चलो अब इसको तोड़ के एक पन्नी में रख लेंगे और ले जाएंगे घर पे। तो गाइस अभी मैंने कुछ इतना सा हरा धनिया ले लिया, ये देखो इतना, और बाकी यहाँ पर उगा हुआ है, मतलब इससे मैंने काटा था, ये है इससे मैंने काटा था, तो फिर से हो गया आएगा, इतना सारा ले लिया है तो इसे ले जाऊँगा घर पे, मज़ा आएगा। मम्मी कहेंगी हमने उगाया था 20 दिन पहले उगाया था, तो इतना बड़ा हो पाया है, और मेथी भी होने वाली है, फिर मेथी भी ले जाएंगे। हे गाइस तो अभी बच चुके हैं शाम के 5:30 और दुकान मैंने बिल्कुल बढ़ा दी है, सिर्फ ताला लगाना इसमें बाकी रह गया है, तो चलो इसमें ताला लगाते हैं उसके बाद सीधे चलते हैं अपने घर पर, और धनिया भी मैंने जेब में डाल लिया है जो मैंने तोड़ा था, तो चलो इसमें ताला लगाते हैं उसके बाद चलते हैं घर पर, और ठंड बहुत है यार, तो जल्दी यहीं लगाते हैं ताला और फिर चलते हैं अपने घर पर। हे गाइस तो अभी आ चुके हैं घर पे और मम्मी को दे दिया यहाँ पर हरा धनिया जो कि मैं लाया था तोड़ के, तो घर में अंधेरा काफ़ी, तो अभी जला दिया लाइट, और गाइस अभी मम्मी बनाएंगी खाना, और आज मैं घर पे बहुत जल्दी आ गया, अभी बज रहे हैं 6:05 और मैं आज घर पे आ गया था जल्दी। और तो गाइस चलो हरा धनिया दे दिया है, अब थोड़ा बहुत घूमते हैं इधर उधर और फिर बन जाएगा खाना, फिर खाएंगे खाना, तुम्हारी आवाज़ आएगी ना उन्हें घर है, इसलिए मैं उन्हें घर इधर आ गया। तो चलो गाइस चलो जल्दी जल्दी खाना बनाओ, क्या खाना खाना है, भूख लग रही है, आलू के पराठे हैं, तो हम तो एक आध दो आलू के पराठे खा लेता हूँ इसमें रखे हुए हैं, ये तो खाते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत घूमूंगा, फिर जब बन जाएगा खाना फिर खाएंगे खाना। तो गाइस अभी मैं गया था दूधी थैली लेने के लिए जो मम्मी दुकान पर बेचती हैं, और ये देखो खुशी खुशी क्या देख रहे हैं, मम्मी लिए खुशी को, मम्मी देखो कैसी लग रही है खुशी बेटे गाइस देखो कितनी मासूम लग रही है, वाह कितनी प्यारी है खुशी, मूंगफली लेने जा रही है खुशी, मूंगफली लेने जा रही है बाजार जा रही है मूंगफली, हंस के दिखा दो, अच्छी अच्छी लली अच्छी है अच्छी अच्छी है बेटे, ओ चाचू आ गए, काजल लगा लिया, चाचू आ गए, काजल लगा लिया, चाचू आ गए, चाचू अभी खाना नहीं बनाए हैं, तो गाइस अभी भी खाना नहीं बनाए और खुशी खेल रही है हमारी, तो चलो इसे खिलाते हैं थोड़ी बहुत देर, तब तक खाना बन गया, इसे सुनाएंगे हम गाना। ओके गाइस तो इसे सुनाते हैं गाना, पहले हाथ से तू अपने अरे बाहर भाई कपड़ा सब तथे कर कर के पहना है, चलो इसे सुनाते हैं गाना जब तक बन गया खाना, अरे वाह राइमिंग, इसे सुनाते हैं गाना जब तक बन गया खाना। गाइस अभी बन गया खाना, तवा उठेगी तवा, और मम्मी यहाँ पर बना रही है ब्रेड पकौड़े और रोटी, और यहाँ पर बन रहे हैं आलू, ब्रेड पकौड़े के लिए सब्जी भी वो चटनी भी तैयार है,
मम्मी बनाएंगी ब्रेड पकौड़े गर्मा गर्म। अब अली उठा रहे हैं और यहाँ पर बनने, तो चलो गाइस खाना बनेगा या ब्रेड पकौड़े बनेंगे देखते हैं और खाएंगे मजे से। लो तो से एक गाइस, तो अभी ब्रेड पकौड़े तो बने थे लेकिन हमारी मम्मी ने हमारे लिए एक भी नहीं छोड़ा और सब खा गए। अब बताओ इनने सादा ब्रेड खा ले तो हम क्या करें, ब्रेड पकौड़े बने ना, सैंडविच बनो ब्रेड पकौड़े ना बने, सुबह बनाएंगे ब्रेड पकौड़े ठीक है। तो गाइस हमारे लिए एक भी नहीं रहा, खत्म, ये बचा है ब्रेड, इसे ही खा लो। चलो अब मैंने खाना तो खा लिया था, रोटी खा ली थी, ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया था। चलो छत पे चलते हैं अब सोने के लिए, टाइम काफी हो गया। तो चलो एक गाइस, तो अभी आ गया हूँ मैं छत पर और गाइस यहाँ पर देखो कपड़े भी धुझे पड़े हुए हैं, कपड़े भी धोए और आज मम्मी ने कर दिया रूम की यहाँ पर सफाई पूरी, क्लीन कर दिया है। और गाइस तो चलो हमें ब्रेड पकौड़ा तो खाने को नहीं मिला, नहीं खाना खा लिया, कोई नहीं सुबह बनेंगे, सुबह खाऊंगा मजे से वो मज मस्ती से। और गाइस ठंड तो काफ़ी है, अब मैं इसे निकाल लूँ, अब मैं सोने वाला हूँ ना, तो जो मैं लेके आया था ये दोनों 120 रुपये के आए थे, दोनों से काफ़ी सही है ये ठंड में, इसमें ना काफ़ी अच्छा कपड़ा है तो इससे ना ठंड बच जाती है। तो चलो गाइस अब मैं सोऊंगा, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।